देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर सेंसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। विशाल पटेल के साथ खबर सेंसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ले चलते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। राजकीय इंटर कॉलेज जागधार म्याड़ी में अभिभावकों ने किया धरना प्रदर्शन। राजकीय इंटर कॉलेज जाकर म्याड़ी में अभिभावकों ने किया जोरदार धरना प्रदर्शन। अभिभावकों का कहना है कि चार वर्षों से विद्यालय में हिंदी का कोई भी शिक्षक नहीं है और विभाग ने एक और अन्य शिक्षक को दूसरे विद्यालय से संबंध करा दिया। विद्यालय में छात्र संख्या अधिक है, पूर्व में संबंध शिक्षक को वापस लाने के बजाय दूसरे शिक्षक को अन्य विद्यालय में संबंध करा दिया, जिससे अभिभावकों में रोष पैदा हो गया है। खबर सेवन में आपका स्वागत है। आइए लेके चलता हूँ आपको राजकीय इंटर कॉलेज म्याड़ी जागधार में। यहाँ पे अभिभावक संघ ने दो दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन करी है और कुछ इनकी मांगे हैं जो यहाँ पे अध्यापक थे वो किसी अन्य विद्यालय में संबंध करवाए गए हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व अभिभावक संघ के अध्यक्ष। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूर्व में अभिभावक एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ। यहाँ पर पांच अध्यापक जब नहीं थे तो मैंने निदेशालय में गया और वो उनसे शिक्षा मंत्री जी से मिला, उनसे गुहार लगाई कि दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, यहाँ कोई नेताओं का क्षेत्र नहीं है। और उसने निदेशक महोदय जी ने और क्या कहें मंत्री जी ने हमारी बात को सुना और यहाँ पर पूरे शिक्षक जो हैं भेज दिए। अब वही प्रक्रिया फिर शुरू हो गई जो पहले हुई थी। पहले गहरोला जी को यहाँ से भेज दिया और आज राकेश जी को भी यहाँ से फिर कहीं व्यवस्था के लिए भेज दिया है और यहाँ से कोई बोले अभिभावकों की जो मांगे हैं इस पे आपके तरफ से और क्या कार्रवाई आगे होनी है? अभी हमें सूचना मिली थी मेन बाग में कि यानी राजकीय इंटर कॉलेज में कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसी एक शिक्षक की यहाँ से हमें तो सूचना एक ही मिली थी ना कि एक शिक्षक को नैनवाग संबद्ध किया गया, तो उसी सिलसिले में आया हूँ। लोग जो भी समस्या जो भी उन्होंने ज्ञापन दिया है वो जिलाधिकारी को।